मंच पर आसीन हैं माननीय उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे अपने हृदय के उद्गार व्यक्त। दोनों हाथ उठा करके बोलिए, भारत माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की। देश के प्रधानमंत्री गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, सफाई कर्मी हो, मेरी महाकुंभ में पधारी हुई मेरी मातृशक्ति हो, उनके सम्मान में भारत सरकार के खजाने को खोल देने का काम किया है। मैं ऐसे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तीर्थराज प्रयाग में अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रयागराज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री, हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री, हमारे सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण और सामने उपस्थित यह जन सैलाब, सबको प्रणाम करता हूं। और इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, मेरी माताओं बहनों, यह कहा जाता है शास्त्रों के माध्यम से, जहां नारी का आदर होता है वहां देवता वास करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से मातृशक्ति के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी गई। मैं आज लंबी बातें करने के लिए नहीं, यहां मैं भी और आप सब भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं आज आप सबसे ही अपील करता हूं कि जिस प्रकार से देश और प्रदेश के हित में, गरीब और किसान के हित में, मजदूर और सफाई कर्मी यह प्रयागराज की भूमि है। आपको याद होगा मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही सफाई कर्मियों के चरण धो करके उनको सम्मान देने का काम किया था। अभी बाबा विश्वनाथ धाम में मजदूरों की पूजा करने का काम किया था। आज मातृशक्ति के सामने वह सारे विषय यहां पर रखेंगे। मैं लंबी बात ना करके आप सबसे ही निवेदन करूंगा, दोनों हाथ उठा करके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।